हम पांच बहन है। मेरे पिताजी का मौत हो गया। क्या नाम है छोटी? कंचल। कंचन नाम है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अंचल कुमारी। अंचल, तुम्हारा क्या नाम है? सृष्टि कुमारी। सृष्टि, सर के खेत जोत रहा था तब मना करने गया, तब पांच को गोली मार कर हत्या कर दिया। मना करने के लिए गया था, अब हम मेरा ही कोई नहीं रहा सर, लड़का भी नहीं है, पति के भी हत्या कर दिया, पांच को बेटी है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में एक साथ नौ लोगों को गोली मारी गई थी और इस घटना में पांच लोगों की मौत हुई थी। इन्हीं मौत में एक शामिल थे शिवेंद्र यादव। हम अभी इस वक्त उन्हीं के घर में मौजूद हैं। लगातार हम आप तक ग्राउंड रिपोर्टिंग पहुंचा रहे हैं। आप हमारे पीछे जो छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, ये वही मृतक शिवेंद्र यादव के छोटे छोटे बच्चे हैं। ये चार पांच बहनें हैं, माफ कीजिएगा, ये पांच बहनें हैं और केवल ये बहन ही है। जानकारी के अनुसार केवल ये बहन ही है। आप देख सकते हैं कि कितने मासूम है, एक केवल बड़ी है। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? स्वीटी कुमारी। क्या घटना घटा है? हम पांच बहन है, मेरे पिताजी की मौत हो गया। हम लोग की नौकरी चाहिए, खाने पीने का सुविधा और खेत का फैसला जल्दी चाहिए। ये हमारे साथ स्वीटी है और ये छोटी छोटी मासूम बच्ची है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है छोटी? कंचन। कंचन नाम है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अंचल कुमारी। अंचल, तुम्हारा क्या नाम है? सृष्टि कुमारी। सृष्टि, ये शिवेंद्र यादव की बेटियां हैं और हम आपको बताते चले कि इनकी कुल पांच बेटी है और हम छोटी बेटी को भी आपको दिखाते हैं जो मासूम है, ये उनकी पत्नी है। आप देख सकते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम है इन बच्चियों को कि इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया। ये उनकी पत्नी है और ये छोटी बच्ची है। आप देख सकते हैं, इस बच्ची को नहीं मालूम है कि आखिर अभी इन्हें कौन पिता जैसा प्यार देगा। क्या नाम हुआ आपका मैडम? रिंकू देवी। क्या घटना घटा? घटना के बारे में उस दिन आपको लोग क्या देखे? देखे सर के खेत जोत रहा था तब मना करने गया, तब पांच को गोली मार कर हत्या कर दिया। मना करने के लिए गया था, अब हम मेरा ही कोई नहीं रहा सर, लड़का भी नहीं है, पति के भी हत्या कर दिया, पांच को बेटी है। क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? बड़ी बेटी को नौकरी चाहिए, पांच को बच्ची के निभाने के लिए खेत के न्यायालय फैसला चाहिए सर। तो ये मृतक शिवेंद्र यादव की पत्नी है और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये बगल में उनके ही परिजन हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। आपके कौन लगते थे शिवेंद्र यादव? चाचा थे, एक ठो पिताजी भी थे। ओ, जिनकी हत्या हुई उसमें एक आपके पिता भी शामिल हैं जी। यानी एक ही घर से दो भाई की हत्या हुई जी। एक आपके पिता और एक ये इन छोटी मासूम बच्चियों के पिता थे, चाचा थे। क्या घटना घटी थी उस दिन? इस दिन सुबह से वो लोग चौ बगल से गुहार ला के खेत जोत रहा था। खेत था, 9 बजे हम थाना में फोन किए, हम खुद थाना में फोन किए, थाना अध्यक्ष बोला कि उसका खेत है उसको जोतने दो। हम बोले थाना में आप बॉन्ड करवाए हैं, अंचल अधिकारी से सब दोनों पार्टी मिल के न्यायालय में केस भी चल रहा है इसका। बॉन्ड हुआ कि जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आता कोई पार्टी जमीन पर नहीं जाएगा, अगर जो जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी दौरान वो लोग चौ बगल से गुहार छेक के खेत जोत रहा था, पापा उपा मना करने गए, इतने में वो लोग गोली चला के सबके। कितने लोग को गोली लगी थी? 9 लोग की लगी थी, जिसमें मौत पांच लोगों की हुई। पांच लोगों की मौत हो गई। कौन कौन शामिल थे, नाम जरा बता दीजिए। मौत होने वाला धीरेंद्र यादव, शिवेंद्र यादव, जद्दू यादव, पिंटू यादव, मधेश यादव। मधेश, सब आप लोग एक ही परिवार के हैं? सब एक हैं। तीन बगल वाले घर के हैं और दो इस घर के हैं, वो भी एक ही परिवार। आपके वो चचा हुए जी और ये आपका घर हुआ जी। यानी आपके घर से आपके, यानी एक आपके पिताजी और एक आपके चाचा की हत्या हुई जी। एक चाचा के गोली लगा, दादा के पैर में दो गोली लगा। एक चाचा को गोली लगी है और दादा के पैर में गोली लगी जी।
क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग है, हम लोग के न्याय मिले, कोई तो देखने वाला नहीं है, कुछ रोजगार मिले। फिलहाल अभी गांव में कैसा माहौल है? पुलिस प्रशासन की सुरक्षा है आपके पास? पुलिस प्रशासन उतना भी नहीं है, है पर उतना नहीं है। अच्छा, और सुरक्षा चाहिए? जी, हम लोग के भी जान के खतरा है, कभी भी वो लोग मार सकता है। रात ही में बगल के गांव में कतु आया था, पता चला। अच्छा, क्या नाम हुआ आप बताए? रोहित कुमार। ये रोहित जी हैं और इनके भी पिता की हत्या हुई है और इनके चाचा की हत्या हुई है। आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चे को, ये बच्चे हैं और इन बच्चे को, इनके बच्चे की पिता की हत्या हुई है। दोस्तों, लगातार हम आप तक ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से इस गांव से अपडेट पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।